दिल्ली के जहांगीरपुरी में नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने समर्थन किया है। जहांगीरपुरी में नगर निगम के विवादास्पद अतिक्रमण विरोधी अभियान समर्थन करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा है कि बुलडोजर का इस्तेमाल गुंडों और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर किया गया है। इसके साथ ही आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने हिंसाग्रस्त जहांगीरपुरी इलाके में कंक्रीट और अस्थायी ढांचों के ध्वस्तीकरण की आलोचना करने वालों पर भी निशाना साधा है। ऐसे लोगों पर आरोप लगाते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा, जो लोग गुंडों और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के धर्म की पहचान कर रहे हैं, वे संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी हैं। शहर में आयोजित एक इफ्तार पार्टी कार्यक्रम से इतर आरएसएस नेता ने कहा कि बुलडोजर सभी अतिक्रमण पर चलाया गया है, भले ही वे किसी भी समुदाय या धर्म के हों। बुलडोजर का इस्तेमाल गुंडों और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर किया गया है। इससे पहले आरएसएस नेता ने कहा कि हाल ही में जब कुछ संतों ने धर्म संसद में कुछ कहा तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर अब कोई कहता है कि बुलडोजर कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ थी तो यह अभद्र भाषा है, यह एक संविधान विरोधी आरोप है। इंद्रेश कुमार ने कहा, अपनी पूजा के तरीके का पालन करें और अन्य धर्मों और उनकी पूजा के तरीके का सम्मान करें। सम्मान के साथ साथ हो सके तो दूसरों के त्योहारों में भी हिस्सा लें। मैं सभी राजनीतिक नेताओं, धार्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों से त्योहार पर हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा करने की अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह के हमले संविधान विरोधी, मानवता विरोधी और ईश्वर विरोधी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।